एवरीवन, गुड मॉर्निंग जोहार, कैसे हो आप सब। मैं मस्त और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग मैं हिंदी में शूट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने डिमांड करा था कि दी एटलीस्ट वीक पे एक एक ब्लॉग तो हमारे हिंदी में बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ब्लॉग हिंदी में शूट करूँ। और गाइस, आज जो है आज मैं इवनिंग में ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज जो है मेरे जो बड़े भैया हैं, जो मेरे हस्बैंड के जो बड़े भैया हैं, उनकी बेटी का जन्मदिन है। तो गाइस, मेरे जो भैया हैं वो अभी गए हुए हैं मार्केट और अभी तक आए नहीं हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:47 और घर पे पूरा बवाल चल रहा है कि अभी तक वो आए क्यों नहीं। और सारे बच्चे, बच्चा पार्टी पूरा मतलब भर गए हैं बाहर। और उनको लग रहा है कि वो केक लेके आएंगे बड़े भैया, उसके बाद ही जो होगा होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे होते हुए यू नो किसी का भी बर्थडे बेकार नहीं जाएगा। तो मैं अपने तरफ से भी एक केक लेके आई हूँ, पर वो सरप्राइज़ है, वो यहाँ नहीं है, वो दूसरे घर में है जहाँ पे हमारा जो पक्का घर है वहाँ पे है। तो अभी मेरे हस्बैंड जाएंगे वहाँ से लेके आएंगे और फिर हम सरप्राइज़ देंगे। और मैं उसके लिए कपड़ा भी लाई हूँ, थोड़ा बहुत गिफ्ट्स भी लाई हूँ। तो वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी जब मैं उसको दूंगी और जब कपड़ा पहनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आप सबको, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, मेरे हस्बैंड के फैमिली में ऐसा रिवाज है कि उनकी ख़ानदान में मतलब ऐसा होता है ना कि बेटियाँ बहुत कम पैदा होती है, लाइक लड़के ही ज़्यादा पैदा होते हैं। तो ये हमारे फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड के भाइयों में ये इकलौती लड़की है। तो इसको प्यार है ना, लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हम सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल बनाया जाए और बस इसी के लिए। और अभी जाएंगे आपके जीजा जी, आइए जी। तो गाइज, अभी गाइज यहाँ आपके जीजू भी आ गए हैं और अभी ये जाएंगे केक लाने के लिए। और इनसे ना कुछ रहा नहीं जाता, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, मैं बोल रही हूँ कि वो सरप्राइज़ है, मैं अभी लेके आ जाऊँ, लोग क्योंकि भीड़ हो रही है, मैं अभी लेके आ जाऊँ। यार सरप्राइज़ दो थोड़ा सा, उसको भी खुशी होगा, है ना। और गाइज, हमारी बर्थडे गर्ल हुजूम मैडम हुआ सिंह बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। हेलो गाइज, हमारी बर्थडे कल भी अभी आई थी और हाँ, वो थोड़ी शर्मा रही है बट अदरवाइज उसको वीडियो में आना बहुत पसंद है कि हाँ भाई वीडियो बना रही है। तो हाँ गाइज, वही है आज अभी, और यहाँ पे बन रहा है दाल, भात बन गया है और एक और चीज़ मैं दिखा रही हूँ। गाइज देख रहे हो आप, यहाँ पे दाल बन रहा है और यहाँ पे आप देखो मेरे जो छोटे चाचा ससुर हैं उनका डिमांड है। वैसे आज घर में चिकन भी बन रहा है बट उनको ये भी फ्राई करके खाना है। आप लोगों को इस चीज़ की मतलब अभी क्रेविंग होती है कि नहीं पता नहीं, बट इस सीजन में ये बहुत मिलता है। ये छोटे छोटे मछली जो खेत में मिलता है बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा। ठीक है गाइस, मैं दाल वगैरह बना देती हूँ, मतलब हाँ छौंका दे देती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, आप देख सकते हैं छोटा सा घर है बट हम सब डेकोरेट कर रहे हैं ऐसे ही। माँ लगा मैं ए बाबा मारो वो काटिया ना अकटा।
हमारा जुगाड़ू टेबल দেখাবে নাই গিফট হর স্কুল সে নামে হই আঙ্গনবাড়ি বাবু गाइस आप देख सकते हो केक वेक कट गया, बलून्स वगैरह जितने हमने लगाए थे वो ब्लास्ट हो गए, और अभी मैं बना रही हूँ दाल जो कि मैं छौंका देना भूल गई है, भूल गई। देखते हमारे यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो बस इसीलिए थोड़ा गैस को साइड करना पड़ा था, बट अभी दाल को छौंका लगाऊंगी। तो गाइस अभी मैं आप सबको दिखा रही हूँ मेरे किचन का हाल। अभी मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, हाँ, और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8 बजने वाला है, लाइक 7:56 हो रहा है, तो वेट में दिखाती हूँ। गाइस आप देख सकते हो ये मेरा छोटकू सा किचन, क्योंकि मैं यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, खाना बाहर बनता है, तो ये है चिकन वगैरह। अभी मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकती गाइस क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है।